है सच की आवाज। सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा का ज्वाला। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता कि डेरा चसौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रेम सिंह जी इंसा के वकीलों द्वारा खेती की संभाल करने के लिए पैरोल लगाई गई है। आपको बता दें कि उस पैरोल पर लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है, खास करके भारत की जो राजनीति करने वाले नेता है वो, और भारत की जो सबसे बिकाऊ और दलाल मीडिया है उसमें। आपको बता दें कि भारत की दलाल मीडिया यह साबित करने पर तुली हुई है कि किसी तरह से डेरा चसौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम को पैरोल ना मिले, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपको बता देंगे दोस्तों, डेरा चसौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम की पैरोल रद्द कराने के लिए सभी मीडिया वाले एकत्रित हो चुके हैं। वो हर एक टीवी चैनल पर हर दिन कोई ना कोई ऐसी वीडियो डालते हैं या ऐसा शो करते हैं जिसमें कि डेरा चसौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा की पैरोल के बारे में चर्चा करते हैं। और आप सबको पता है कि जिस तरह की वो चर्चा करते हैं, वैसे तो दोस्तों हमारे भारत की मीडिया पर कोई विश्वास करता नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट के जज काटजू का बयान आया था कि बहुत से जज मीडिया में जो चल रहा होता है उसको देखकर भी फैसले सुनाते हैं। दोस्तों, अब जिस तरह से डेरा चसौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पैरोल पर चल रहा है कि जहाँ पर जेल प्रशासन ने भी अनुमति दे दी है, तो वहीं हरियाणा सरकार को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट सौंपनी बाकी है। लेकिन दोस्तों, अब सोचने वाली बात होगी, क्या पुलिस प्रशासन मीडिया पर विश्वास करता है या फिर वह आम लोगों की राय लेता है? क्योंकि आप सबको पता है कि मीडिया जिस तरह से लोगों को भड़का रहा है, गुमराह कर रहा है, वह अब की बात नहीं है, बल्कि वह हर बार ऐसा ही करता है। दोस्तों, ये मीडिया किसी कोठे की वेश्या से कम नहीं है, जो कि समय समय पर पार्टियां बदलता रहता है। दोस्तों, अगर आज भाजपा की सरकार है तो मीडिया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों ले रहा है, लेकिन अगर भविष्य में कभी और पार्टी की सरकार आती है तो यही मीडिया भारतीय जनता पार्टी को भी दोएगा। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता कि जिसकी भी सरकार होती है मीडिया उसी का हो जाता है, और पैसों के लिए या टीआरपी के लिए यह मीडिया कुछ भी कर सकता है, चाहे इसके लिए बहन बेटियों की इज्जत भी क्यों ना उछालनी पड़े, या फिर देश में हिंदू मुस्लिम या फिर किसी जात पात के आधार पर दंगे भड़काने हो, यह मीडिया कभी भी पीछे नहीं हटता। दोस्तों, जो भी घटनाएं होती है ज़्यादातर मीडिया के कारण ही होती है, क्योंकि मीडिया पहले ही ऐसा माहौल बना देता है जिससे कि समाज में एक तरह से लोगों को भड़काया जाता है, और उसके बाद ही ये दंगे फसाद होते हैं। और दोस्तों, मीडिया सबसे अहम रोल निभाता है इसमें। वैसे तो कहने को भारत का चौथा स्तंभ है मीडिया, लेकिन जो उसके कार्य है वह बहुत ही घिनौने हैं। और जिस तरह की अब आपको भी पता है कि भारतीय मीडिया का जो झूठी खबरें फैलाने में यह दुनिया का नंबर वन बनने जा रहा है। दोस्तों, आपसे भी निवेदन है, कृपया करके जो भी ऐसे मीडिया की वीडियोज़ वगैरह आती है, जो भी यह बिकाऊ टीवी चैनल होते हैं, जो चम्मच और पत्रकार होते हैं, जो भी यह बोलते हैं, आप ऐसे आंखें बंद कर उन पर विश्वास नहीं कर सकते कि जो उन्होंने बोला वह सच ही होगा, क्योंकि वह तो यूट्यूब की वीडियो देख कर भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह वीडियो सही है या गलत है, उसी के आधार पर न्यूज़ बना देते हैं। लेकिन दोस्तों, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कुछ और होती है, लेकिन जो मीडिया वाले दिखाते हैं वो कुछ और होता है, क्योंकि वह बहुत कुछ इफेक्ट डालकर सच्ची खबरों को भी झूठी बना सकते हैं और झूठी खबरों को भी सच्ची बना सकते हैं। उनके हाथ में होता है कि किस तरह से किसकी तारीफ करनी है और उसकी बेइज्जती करनी है, और वह करता भी है। तो इसलिए पुलिस प्रशासन भी अब सोचना चाहिए उनको भी, क्या वह भारतीय मीडिया पर विश्वास करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि भारतीय मीडिया लगातार डेरा चसौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम की इस तरह से रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जैसे वह बहुत बड़ा आतंकवादी हो। लेकिन दोस्तों, जो सच्चाई है वो सबके सामने ही है। और आपको बता दें कि जिस तरह से पहले तो जब डेरा चसौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाई गई थी, तो उस समय भारत के पूरे मीडिया चिल्ला चिल्लाकर बड़े बड़े एंकर और बड़े बड़े टीवी चैनलों पर रात को शो होते थे, उनमें चिल्ला जाता था कि बाबा राम रहीम की इतनी संपत्ति है, बाबा राम रहीम के नाम इतने
इतनी जमीन है, इतना कुछ है, लेकिन अब जब पैरोल की बात आई है तो वही मीडिया थूक कर चाट रहा है। वो कह रहा है कि बाबा राम रहीम के पास कोई भी जमीन नहीं है, लेकिन वह शायद भूल गए कि डेरा चसौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा गुरसर मोडिया के अपने गाँव के सबसे बड़े जमींदार है, जिनके पास की 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। लेकिन दोस्तों भारतीय मीडिया यह स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो ना उनको उन्होंने कभी जाकर देखा है, ना कभी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट ली है। वो तो बस सोशल मीडिया से या फिर यूट्यूब चैनलों से उठा उठा कर वीडियो उन्हीं के स्तर पर वीडियोस बना देते हैं, उन्हीं के स्तर पर न्यूज़ बना देते हैं, और जो भी अफवाह होती है वो भी सबसे ज़्यादा मीडिया ही फैलाता है। इसलिए दोस्तों आपसे भी निवेदन है, कृपया करके जो भी इनकी वीडियो कटिंग होती है सोशल मीडिया पर वायरल ना करें, क्योंकि वो लगभग झूठी होती है, क्योंकि किसी भी टीवी चैनल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह सच्चाई दिखा सके, क्योंकि इनका तो आधार ही पैसे पर और टीआरपी पर टिका होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़। आपसे भी निवेदन है दोस्तों, सच की आवाज़ को हम सब मिलकर ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे, आप भी हमारा साथ दीजिए। जो भी हम वीडियोज या पोस्ट डालते हैं फेसबुक पेज हो, वेबसाइट हो, या फिर यूट्यूब चैनल हो, इंस्टाग्राम अकाउंट हो, या फिर ट्विटर, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़। रही है सच की आवाज़, सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज़ को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।